काला जो उन्होंने किया है, पैसे का गबन किया है, उसको वो लोग छुपा सके। वो अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरों पे दोषारोपण कर रहे थे कि ये जो संवर्ग जो काम करता है वो उसको नकारा घोषित करना चाहते हैं। नहीं, वो काम नहीं करता है, वो बिजली घर नहीं जानता जाता है। अरे ऐसा कौन सा बिजली घर है बिना जेई के जाए चल जाएगा। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? आगे हमारी रणनीति, जब तक हम अपनी धन वापसी गारंटी का एक परिपत्र न हासिल कर लें और जो भी दोषी हैं इस प्रकरण में उन्हें सलाखों के पीछे न पहुंचा दें, तब तक किसी भी हाल में मानने वाले नहीं हैं। और जूनियर इंजीनियर संगठन के तत्वावधान में आज जो प्रोग्राम हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें विद्युत कार्यालय सहायक संघ भी पूरी तरह से समर्थन दे रहा है और सहयोग कर रहा है। और शीघ्र ही अगर अब समस्याएं सॉल्व नहीं हुई या फिर न सुनी गई, इस प्रकरण का पटाक्षेप न किया गया, तो आर पार की लड़ाई भी लड़ी जाएगी और ऊर्जा मंत्री जी का घेराव भी किया जाएगा और हो सकता है कि 24 घंटे के लिए हम उनके आवास का रास्ता भी बंद कर दें। तो किसी भी सूरत में वो हमसे बच नहीं सकते हैं और पीछे उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, सामने आना चाहिए। मात्र एक परिपत्र जारी करने की बात है और इतनी सी छोटी सी बात भी अगर वो पूरी नहीं कर सकते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है।